बसंत पंचमी। इस त्योहार को देश के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। ऋतु परिवर्तन के इस खास अवसर पर देवी सरस्वती को याद किया जाता है। इस दिन पीले वस्त्रों को धारण कर प्रकृति के लिए शुभकामनाएं भी की जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ज्ञान की देवी सरस्वती का जन्मदिन मनाया जाता है। तो वहीं धार्मिक मान्यता के अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने परमात्मा के आदेशानुसार नई सृष्टि की रचना की, परंतु सृष्टि में अज्ञानता के कारण सभी जगह जड़ता प्रतीत हुई। उस वक्त ब्रह्मा जी ने फिर से तपस्या कर परमात्मा को प्रसन्न कर सरस्वती जी का आह्वान किया। जैसे ही वीणा धारण किए सरस्वती जी प्रकट हुई, तो उनकी वीणा की धुन से सारी सृष्टि में चारों ओर खुशहाली, सुख शांति और हरियाली छा गई। इस कथा का भावार्थ यह है कि बिना ज्ञान संसार जड़ मात्र है। ज्ञान का मतलब नीरसता नहीं बल्कि उमंग उत्साह है। इसीलिए सरस्वती जी के एक हाथ में किताब और दूसरे हाथ में वीणा दिखाई गई है, अर्थात ज्ञान और सेवा, जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि मां सरस्वती जी ने पहले ज्ञान को स्वयं में धारण किया और फिर उन्होंने उसी ज्ञान से संसार की सेवा की। आज का दिन कलाकारों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। वे मां सरस्वती से अपनी कला को निखारने के लिए उनकी आराधना करते हैं और बुद्धि विवेक का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देवी सरस्वती जी के बारे में बेहद गुह्य रहस्यमयी बात यह है कि वो ब्रह्मा जी के शुभ संकल्पों से उत्पन्न होने के कारण उन्हें ब्रह्मा जी की पुत्री माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मा एक ब्राह्मण है यानी ब्रह्मचारी। अपनी योग तपस्या के तप से ही उन्होंने सरस्वती जी का आह्वान किया, जिससे सारे संसार में चेतना जागृत हुई। इसीलिए मां सरस्वती जी को जगदम्बा भी कहा जाता है।